Assalamu alaikum guys, this is Halima Rinaz. Welcome or welcome back to my channel. This is my second vlog and we are going to Mysore. इससे पहले मैंने बहुत सारे vlogs किए हैं but मैंने edit और upload करने में बहुत laziness दिखाया है. ये मैंने मेरी sister की demand पे video निकाला है, like she wanted me to vlog, so I vlogged. और vlog करने के बाद upload नहीं किया तो क्या ही मतलब हो जाता है. तो जैसे कि हम Mysore जा रहे हैं from Bangalore for the first time with my whole family. मैंने अब तक 10 ऑडियो टेक ले लिया है. दोज वर रियली गुड बट यू नो आई नीड परफेक्शन, सो हियर वी गो. दिस इज़ मैसूर. मैसूर में आपको म्यूजियम्स मिलेंगे, पैलेसेस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे, नेचर व्यू मिलेंगे, हिस्टोरिक प्लेसेस मिलेंगे, लेकिन आपको वीडियोस फिल्म करने नहीं मिलेगा गाइज. So guys, we have finally reached Mysore. Reached. Okay. So it is, I think, Mysore Palace or something. It's museum, it seems. I just don't know. It's for the first time I've came here. This is my little brother who doesn't even know how to take good picture. So guys, ये beginning of the journey है. ये मुझे अब तक नहीं समझा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, but ये कुछ तो है जहाँ से हमें जाना है. अंदर हमें like, you know, टिप्पू सुल्तान का पैलेस मिलेगा, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ पैलेस, आई थिंक इट्स अ डेमो पैलेस. एंड द नेचर व्यू इनसाइड इज़ इनक्रेडिबल. लाइक फॉर मी नेचर व्यू इज़ एवरीथिंग. सी द नेचर ओवर हियर इज कम्प्लीटली ग्रीन विच सैटिस्फाइज द सोल. दिस प्लेस इज वेरी प्रिटी. एज आई एम व्लॉगिंग राइट नाउ हियर, दिस द ग्रीनरी इज जस्ट सो अमेजिंग. आई हैव बीन फेल इन लव विद दिस प्लेस. As it is so freaking pretty, you can just see, amazing, mind blowing, just lovely. As you can see, the greenery is just so pretty. गाइज, मैं इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी. आप खुद देख सकते हो कि अगेन ये कितना प्रिटी है. ये प्रिटी वर्ड मैंने अब तक 150 बार बोल दिया है. सो गाइज, दिस इज़ माई वन एंड ओनली जीजू. मैंने मेरी मॉम एंड सिस्टर एंड शहनाज के साथ बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज़ लिए थे, बट मुझे नहीं अपलोड करना, बिकॉज मुझे नहीं करना अपलोड. मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मुझे मेरी कंप्लीट फैमिली की वीडियो डालनी चाहिए. इट्स देयर चॉइस एंड इट इज़ माई चॉइस. सो गाइज, ये वीडियोज़ मैंने इंस्टाग्राम के लिए लिया था, बिकॉज यूट्यूब से ज़्यादा आई केयर अबाउट इंस्टाग्राम. अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को तो मैं नेक्स्ट टाइम से यूट्यूब के लिए भी वीडियोज़ लेना शुरू कर दूँगी. ये तो मैंने लैंडस्केप में एडजस्ट किया है इस वीडियो को, बिकॉज I have no other options, right? This is my favorite abaya, which is a designer abaya. Is agar aap Karnataka aa rahe ho, you have to come to this place if you are a nature lover like me, because I'm basically obsessed with nature. As you can see, this place is very pretty. Main sirf khud ka thobda dikha rahi hu, main nature ka thobda nahi dikha rahi, so aapko nature ka thobda bhi dikha deti hu. Wait. So before you judge my नकाब की वो भीगा भीगा सा है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. I was just sweating because Karnataka is really hot, okay? Hot in the sense of summer, okay? So basically, you know, vlog. How does it look? It looks something like this. So we just have to. No video. सिक्योरिटी ने मुझे वीडियो लेने से मना तो कर दिया, बट आज तक मैंने किसी की सुनी है, जब इनकी सुनूंगी. मैंने शॉर्ट क्लिप्स तो ले लिया है इस स्पेसिफिक लोकेशन का. ये बहुत प्यारा लोकेशन है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि वीडियो लेने ना दो भाई. और वापस से आ गए हम ग्रीन्स में. आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सो दैट आई कैन यू नो टेक वीडियोज़ ऑन लैंडस्केप फॉर यू फॉर द नेक्स्ट टाइम. This place is basically non-identical. I'm not able to understand what it is, but video nahi le sakte. Guys, this is Mysore Palace, which is really beautiful, incredibly beautiful. Okay, iska architect itna pyara hai, itna pyara hai, but crowd usse bhi zyada hai. I'm really tired of, you know, looking at such crowds in Mumbai and now in Bangalore, Mysore, everywhere these people are like everywhere. Inko jahan jagah mile wahan ghus jate hain, just like us. So guys, before heading towards it, Allahumma barak, mashallah, this is my didi and jiju. And this is Shehnaz and my another jiju. Say mashallah. There is basically so many things happening over here. I'm gonna show right now.
तो गाइज मैंने मम्मा के साथ वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैंने मम्मा के साथ जो वीडियो ली थी वो हमने कार में ली थी जहाँ पे मैंने नकाब नहीं पहना था. सो दैट्स इट फॉर द डे. नहीं जाना नहीं, सब्सक्राइब करो और वीडियो बाकी है. ओके सो जब हम वहाँ से निकल रहे थे ये तब का वीडियो है जो ऑब्वियसली मैंने इंस्टाग्राम के लिए लिया था. प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी. मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी. मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी तो अपलोड नहीं करूंगी. अपलोड नहीं करूंगी तो आप क्या देखोगे. तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप बस स्क्रीन पॉपअप कर दोगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा. और मैंने वीडियो निकाली और सनसेट ना दिखे, दिस इज़ नॉट हैपनिंग. सो यू कैन सी द सनसेट फॉर द डे एंड दिस इज़ एब्सोल्यूटली बेस्ट मैसूर पैलेस फ्रॉम द मैसूर विच इज़ इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल विच आई हैव ऑलरेडी सेड. You can visit this place like you can visit once your whole life, I would say. Not more than that, like for just for an experience. So, हम इसके बाद KSR डैम भी गए थे जो कि closed था due to rain. मतलब आप बनाते ही क्यों ऐसी चीज़ें जो आपको बंद करनी पड़ जाए. Anyway, so ये पूरे के पूरे trip में मुझे इतनी नज़र लगी कि मैंने रात में किसी को सोने नहीं दिया और मैं सुबह बीमार हो गई. Anyway, so आपको कमेंट में लिखना है माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारक सो दैट एटलीस्ट वापस नज़र ना लगे और मैं वापस बीमार ना हो जाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक हिट कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक हिट कर देना. अगर मुझे 10 लाइक्स आते हैं तो मैं थर्ड ब्लॉग अपलोड कर दूंगी विच इज़ एब्सोल्यूटली रेडी इन माई ड्राफ्ट. एंड टुडे आई एम टेकिंग ऑफ. अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर ब्यूटिफुल पीपल.